सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। मैं इस वीडियो में कुछ नोट्स और हिच के बारे में बताऊंगा, जो हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को हम जब भी भूलते हैं देखकर फिर याद कर सकते हैं। तो कुछ मैं इस विषय में बताने वाला हूँ कुछ नोट्स के बारे में, जिसके लिए मैं अपने पास सीलिंग रखा हूँ। सीलिंग का उपयोग करके हम बताएंगे और उसका काम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे कि इसका हम काम किस प्रकार करेंगे। तो चलिए हम आते हैं नोट्स पे। हमारा नोट्स एक सबसे पहले थंब नोट्स शुरू से स्टार्ट करते हैं। थंब नोट्स आता है, थंब नोट्स नॉर्मल नोट्स है, ये किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं। एक इसको हम गांठ भी बोलते हैं, थंब नोट्स ऐसे लगा सकते हैं। ये थंब नोट्स लगाया जाता है रस्से के सिरे के ऊपर, इस प्रकार से देखिए, एक गांठ केवल दे देना है। इसका काम है रस्से के सिरे को उधड़ने से बचाने के काम में आता है। ये आप सीख गए होंगे, इसमें तो कोई सीखने वाली बड़ी बात नहीं है। इसका काम केवल है एक गांठ दे देना रस्से के सिरे पे, जो इसे उधड़ने से बचाता है। चलिए आते हैं फिगर ऑफ एट। फिगर ऑफ एट बनाना सीखते हैं, फिर उसके काम के बारे में सीखते हैं। फिगर ऑफ एट बनता कैसे है? ये रस्सी लिए, ये जो है छोड़िए, जरूरत के हिसाब से ये लिए, अपना सीलिंग लिए, इसको 360 डिग्री घुमाना है और फिर ये ऊपर वाले होल से गुजार देना है इसको। ये हो गया फिगर ऑफ एट। इसका काम बेस बनाने के काम में आता है। ये विदाउट लूप फिगर ऑफ एट इसको बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये हमारा बेस बनाने का काम होता है। जैसे हम कहीं रैपलिंग कर रहे हो या कहीं ऊंचाई से नीचे आना हो, तो बेस पे मान लीजिए कहीं भी होल या कहीं पाइप हो ऐसा टाइप का, जैसे छत वगैरह हो, वहाँ पे हमें किस तरीके से काम आएगा अभी दिखाते हैं, करके दिखा रहे हैं। ये हमने ले लिया, रूप को हम रख देंगे, ये नीचे वाला जो रूप है, जो रूप है इसको हम नीचे छोड़ देंगे, जिसमें हमें लटकना है, नीचे आना है, और ये जरूरत के हिसाब से हम ले लेंगे जितना इसमें लग गया। इसको ध्यान रहे कि लूप जो है, ये जो हम लूप बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल छोटा से छोटा होना चाहिए। फिगर ऑफ एट जो है बिल्कुल ये पे सेट हो जाना चाहिए। अब इसके सिरे पर हमने क्या करना है, जो ये रोप गया है इसको फॉलो थ्रू करना है, इधर से लेकर ये जिस तरह से रस्सा गया है उसी तरीके से इसको भी लेके आना है। ये देखिए, ये ऊपर से आ रखा है, तो इसको हम ऊपर से डाल देंगे, बिल्कुल उस रोप का फॉलो थ्रू करना है। ये हो गया, फिर ये रोप इधर से जाएगा, ये कोई इतना भारी काम नहीं है, देखते रहिए। ये हो गया, फिर ये रोप इधर से जा रहा है और फिर ये लास्ट में नीचे जो रुक गया है उसके साथ ये भी चला जाएगा। ये हो गया हमारा फिगर ऑफ एट, विदाउट लूप फिगर ऑफ एट का बेस बनाने का काम। कोई भी हम नोट्स बनाते हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, बेस वगैरह बनाते हैं, जिसमें हमें सेफ्टी नोट लगाना जरूरी होता है, इससे हमें भरोसा मिलता है कि ताकि हमारा नोट्स खुले नहीं जो भी हो। तो यहाँ पे हम एक सेफ्टी नोट लगाएंगे, सेफ्टी नोट थंब नोट की तरह है, जो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल नजदीक लगाएंगे। ध्यान रहे सेफ्टी नोट जो है, सेफ्टी नोट का रोप जो है दूसरे रोप के साइड में ही जाता है, ये ना कि इस तरह से नहीं, हम लोग थंब नोट की तरह ऐसे गांठ नहीं लगाएंगे, ऐसे ऊपर जा रहा है, ये किसी काम के नहीं, खुल सकता है हमारा जो जब भी जाएगा इसमें सेफ्टी नोट बिल्कुल ये नीचे की तरफ जाएगा, ये हमारा असली सेफ्टी नोट होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सिंगल लूप फिगर ऑफ एट। जैसे हमने ये रोप ले लिया सिंगल लूप, रोप को डबल करेंगे, जितना हमें जरूरत है उसी हिसाब से नीचे वाले सिरे को हम नीचे जाने देंगे। इसको भी ठीक हम वैसे ही 360 डिग्री घुमाएंगे और फिर जैसे हमने फिगर ऑफ एट बनाया था विदाउट लूप, वैसे ही इसको भी हम कर लेंगे। ये हो गया सिंगल लूप, इसमें लूप हो गया, उसमें लूप नहीं था, वो सिंगल था। ये हो गया सिंगल लूप फिगर ऑफ एट। इसका क्या काम है? इसका भी काम बेस बनाने का ही है इसमें, लेकिन ये लूप जो है जितना छोटा रखेंगे उतना ही बेस हमारा मजबूत होगा।
इसका काम भी वही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा मजबूती ज़्यादा होती है। हम ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सिंगल रूट इसका भी हमें सेम वही इस्तेमाल करना है, इसको भी ऐसे करके से हमें फॉलो थ्रू करके नीचे लाना है और एक सेफ्टी नोट देना है। अब आता है डबल लूप फिगर ऑफ एट, इसका भी वही काम है, सेम ऐसे ही करना है डबल, लेकिन थोड़ा सा इसमें है जैसे उसको 360 डिग्री घुमाए, इसको पूरा नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। रस्से को डबल कर लिए हैं, इसको जैसे वो हम लोग करते थे, इसको हम इसमें घुसाते थे, इसको घुसाना नहीं, इसको ऊपर ही रखना है। फिर से देखिए, हमने इसको सेम फिगर ऑफ एट की तरह घुमाया और इसको अंदर ना घुसा के इसके ऊपर रख दिया है, सेम इस तरह से बिल्कुल देख लीजिए बाहर की तरफ है। अब इसको क्या करना है, हमें उधर जो लटका हुआ है उसके बीच में हाथ डालना है, हाथ डाल के ऊपर से ये जो दो रूप है ना इसको खींच देना है, इसको खींच दीजिए। ये हो गया डबल लूप फिगर ऑफ एट, इसका भी काम वही है, ये थोड़ा और मजबूत होगा बेस बनाने के लिए, जिस जगह पे हमें देखना है किस टाइप से कितना बेस। दो असमान डाय वाले रूप, जैसे हमने दो रूप है इसको जोड़ना है और दोनों का डाय जो है, जैसे एक कोई मोटा है पतला है, हमने दो रूप ले लिया है, दोनों तो अभी एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जो कोई मोटा पतला भी हो सकता है रूप, तो इसको हम सीट, जैसे हमारा एक ये रूप हो गया, ये मान लीजिए अलग अलग डाय के रूप है, इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक लूप बनाना है। ऐसे देखिए, छोटे वाले लूप को ऊपर ले लीजिए, ये लूप हमारा बन गया, लूप को इस तरीके से रखिए और जो दूसरा रूप है इसको लूप के अंदर से निकालना है ऐसे, और इस उंगली के ऊपर से ऐसे छोड़ दीजिए। ये दो रूप हो गए, इसके बीच से जो ये रूप है इसको लाना है और उंगली जिस तरफ इशारा कर रही है उधर उंगली के साथ ही इसको लेकर और ये दोनों रूपों को ऐसे खींच देना है। ये हमारा हो गया सीट बैंड नॉट, इसको सिंगल सीट बैंड नॉट बोल सकते हैं या सीट बैंड नॉट बोलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कभी भी कोई भी नोट्स लगाते हैं उसके बाद एक सेफ्टी नोट देना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद एक सेफ्टी नोट हम दे देंगे इस तरीके से, काफ़ी नज़दीक देंगे और इधर से भी देंगे। ये हमारा सीट बैंड नोट बन के तैयार हो गया। डबल सीट बैंड नोट भी होता है, इसे थोड़ा भरोसा ज़्यादा होता है कि हाँ रस्सा बढ़िया जुड़ा है, तो उसको भी कुछ खास नहीं करना है, उसको भी सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने लूप बनाया, फर्स्ट सिंगल सीट बैंड जैसे हमने बनाया, इसमें रोप डाला, उंगली के ऊपर से डाल के छोड़ दिया। अब डबल सीट बैंड में क्या करना है, इसको एक बार और घुमा देना है, हो गया ये डबल सीट बैंड। अब इसको फिर सेम उसी तरह ये रस्से जो है, रस्से की जैसे उंगली इशारा कर दिया हमें, उंगली पे देख लीजिए उंगली जो है इसके अंदर डालना है और फिर इसको खींच लेना है। ये हमारा डबल सीट बैंड नोट हो गया, ये थोड़ा उससे ज़्यादा भरोसेमंद और मजबूत होता है। इसमें भी फिर हमें सेफ्टी नोट ध्यान रखना है, सेफ्टी नोट नहीं छोड़ना है, सेफ्टी नोट जरूर देना है दोनों तरफ से। ये हमारा सीट बेल्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं रिप नोट। रिप नोट नाम तो सभी जानते हैं, काम क्या है, बनाते कैसे हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। रिप नोट पहले बनाते कैसे हैं फिर इसका काम क्या है ये हम बताते हैं। रिप नोट रस्सा को ऐसे कमर के पास पकड़िए, कमर नहीं कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन रिप नोट का काम सीट हार्नेस के काम आता है, इसलिए हमको कमर के पास लेना जरूरी है। रिप नोट में कोई भी एक नॉर्मल थंब नोट की तरह गांठ देंगे, ऐसे एक नॉर्मल सा नॉर्मल अपनी ज़रूरत के हिसाब से देंगे। फिर इसमें ध्यान रखना है जो ऊपर वाला रस्सा है, एक नीचे रस्सा गया है एक ऊपर रस्सा गया है, अगर उल्टा गांठ देते हैं तो इसमें इधर वाला जाएगा इधर वाला, कोई भी हो ऊपर जो रस्सा जा रहा है, ऊपर जो रूप जा रहा है इसको हम दूसरे रूप के ऊपर से रखेंगे, ऐसे छोड़ दिए, फिर इसको अंदर से ले लिए, ये भी थंब नोट की तरह ये नॉर्मल से ऐसा हमने गांठ दे दिया। ये हो गया हमारा, इसको चेक करना है हमें ये सही है कि गलत। ये देखिए ये बेल्ट बेल्ट की तरह है, बेल्ट जैसा हुक बनाते हैं, ये हमारा रिप नोट है। फिर से एक बार देखिए, अब इसमें क्या गलती क्या है, इसकी सही गलती चेक करने के लिए क्या है, इसमें मान लीजिए हम ऐसे कर दिए, दोबारा हम इसको अगर नीचे से ले लेते हैं तो ये क्या है, ये हमारा फिर उस तरीके से नहीं हो गया, ये डबल गांठ पड़ गया, ये आपको नुकसान देगा। जब हमें सीट हार्नेस में कब बना के जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे खींच के हमारे पेट को तोड़ देगा ये,
इसे हमें ध्यान रखना है हमेशा। इसको एक ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको नीचे वाले हिस्से रस्से को ऊपर रखना है और फिर इसको नीचे से लेकर फिर ऐसे कर देना है। चेक कर सकते हैं ऐसे खुल रहा है, देखिए ये जो ऐसा बनाते हैं ये जो बीच में लूप है इसमें कैराबिनर फंसाने का काम आता है। अब ये कंप्लीट कॉक होगा, सीट हार्नेस बनाते कैसे हैं ये तो हो गया हमारा काम यहाँ तक। अब इसको पैर के नीचे से लेंगे, इधर में हम एक थंब रोड देंगे, ये हो गया हमने एक थंब नोट दे दिया है जो भी दी। थंब नोट में ध्यान रखें कि नोट किसी भी तरह से थंब नोट नहीं लगाना, सेफ्टी नोट की तरह लगाना, जिसमें रस्सा का सिरा जो है हमेशा नीचे की तरह जाए। इसे क्या अगर रस्सा खुले रहेगी तो खुल सकता है, इसके बाद भी आप एक सेफ्टी नोट दे सकते हैं। ये रेडी हो गया, अब इसको भी हम एक सेफ्टी नोट इसमें भी देंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया, इसमें हम कैराबिनर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फिशरमैन नोट, फिशरमैन नोट का काम क्या है, फिशरमैन नोट है दो एक समान डाय वाला रोप, जैसे हमें एक रोप की जरूरत था वो हमारा छोटा पड़ गया और उसको जोड़ना है तो डबल रोप की जरूरत पड़ेगा बड़ा करने के लिए, तो उसको एक समान डाय का अगर है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, फिशरमैन नोट का काम है। इसको दोनों रोपों को ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, और इसको करना क्या है, यहाँ पे एक थंब नोट देना है, हमने इधर में थंब नोड दे दिया और दूसरे रस्से को इधर में एक थंब नोड दे दिया। दोनों तरफ हो गया थंब नोट के, ध्यान रहे नोट्स में हमेशा ये जो रोप है दूसरा इसके विपरीत जाना चाहिए, ना कि इधर, नहीं तो ये टूट सकता है। इसको हमने देखिए ऐसे जोड़ दिया, लेकिन अब ये अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए हमने पहले ही बताया एक सेफ्टी नोट देना हमेशा जरूरी है। सेफ्टी नोट में भी जो एक थंब नोट की तरह देना है, जो इसका सिरा जो है हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, ये एक इधर दे दिया और दूसरे का ये दोनों रस्से जुड़ गए, ये खुलेंगे। आते हैं रिलीफ नोट पे, रिलीफ नोट का काम क्या है और कैसे लगाते हैं। रिलीफ नोट हमारे पास एक ही रोप है और उसको हमें किसी ऊंचाई से हम उतर रहे हैं, कई ऐसी जगह जहाँ से हमारे पास एक ही रोप है और उसकी मदद से हम उतर रहे हैं और उस रोप को दोबारा हमें वापस चाहिए, तो उसके लिए हम रिलीफ नोट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायनी या कोई भी बेस जहाँ हमने बनाया हो, तो उसमें रिलीफ नोट कैसे बनाते हैं ये देखिए। रस्से को बराबर लेंगे ताकि हम नीचे उतरने के बाद दूसरे सिरे को भी पकड़ने आ सके हमारे। ये हो गया, ये बेस के ऊपर हमने रख दिया, इसमें देखिए ध्यान से देखिए इसमें कुछ नहीं है, इस तरह से रख देना है माला की तरह। इस दोनों रोप में से किसी भी एक रोप को लेना है इसके बीच से, मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया और इसको ऐसे खींच के टाइट कर दिया, ये हो गया। फिर ये जो लूप बचा हुआ इस लूप में से फिर दूसरे रोप को लेंगे, फिर इससे खींच के टाइट कर देंगे, ये हो गया हमारा रेलिंग नोट। अब इसको और मजबूत करने के लिए फिर और भी हम ऐसे खींच सकते हैं और फिर हम इससे हम टाइट कर देंगे, ये टाइट हो गया। ध्यान रहे लास्ट में जिससे टाइट हो रहा है उसी रस्से को खींच कर हमें नीचे उतरना है, नहीं तो दूसरे रोप को खींचेंगे तो खुल जाएगा। रिलीफ नोट इसी को बोलते हैं, ताकि हमने इससे नीचे उतर गए और फिर हमें रोप की जरूरत है तो फिर इसे खींच कर रखिए, ये खुल जाएगा, खुल भी गया। थीप नोट भी है, थीप नोट थीप के नाम से ही आप जान सकते हैं थीप नोट का क्या है। थीप नोट मतलब कैदी नोट भी बोलते हैं, कभी यानी चोर भी बोल सकते हैं। तो चोर को हथकड़ी लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हथकड़ी नहीं है तो हम रस्सी की सहायता से हथकड़ी तैयार कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास रूप है। थीप नोट बनाने के लिए हमें देखिए एक लूप बनाना है,
अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से। इस तरह से हमारा लूप बन के तैयार होगा। फिर से देखिए, एक अंदर एक बाहर, किसी भी साइड से, या इसको आप बाहर ले लीजिए या इसको आप अंदर ले लीजिए, किसी भी तरह से ये एक अपोजिट करना है। फिर इसको घुमाना नहीं है, सेम ऐसे ही जैसे तैसे एक दूसरे के लूप के अंदर से इसको खींच देना है। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे ये हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, इनको हथकड़ी लगाना है, इसे आप हथकड़ी इसको लगाना है और इसे हमें खींच देना है। हालांकि लगाते तो पीछे हाथ करते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम आगे लगा रहे हैं, इसको खींच दें। अब ये खुलेगा नहीं। अब इसको क्या करना है, ऐसे तो ये हाथ करने से खुल जाएगा, लेकिन हम इसको खींचने के बाद फिर हम यहाँ पे थंब नोट भी दे सकते हैं, ताकि ये खुले नहीं। थंब नोट देकर एक सेफ्टी नोट भी दे सकते हैं। अब ये कुछ भी करेंगे खुलेगा नहीं, खुले ये नहीं खुलेगा बिल्कुल। आप इनको कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, ऐसे पकड़ लीजिए, कुछ नहीं करना है इसको, बस ऐसे एक बार ऐसे लगाया, इसको फोल्ड करके लगाते जाना है, कुछ नहीं, बस एक लूप बनाइए और इसको जोड़ते जाइए। जोड़ दिए, लास्ट में इस रस्से को इस लूप के अंदर डाल देना है, फिर इसको झाड़ देना है। थोड़ा पुराना हो गया यार, इसलिए फंस जा रहा है, कोई बात नहीं। ये हमारा ये बन गया, ये मैजिक नोट्स है। इसका काम है जैसे सीढ़ी का काम करता है, जैसे हमें ऊंचाई से उतरना हो तो इसी ग्रिप की मदद से भी हम उतर सकते हैं, या दो रूपों को हम बनाकर इसके अंदर फिर लकड़ी या कुछ डालकर हम लैडर को सीढ़ी भी बना सकते हैं। और मैं हिच के बारे में बताता हूँ, जो हर जगह बताया जाता है। हमारे को दो हिच का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है, एक है क्लो हिच और दूसरा है ग्रिप हिच। इसमें भी सबसे ज़्यादा हम क्लो हिच का ही इस्तेमाल करते हैं, ये बेस मजबूत बेस बनाने के लिए हम ज़्यादातर क्लो हिच का ही इस्तेमाल करते हैं। पहले हम आपको क्लो हिच का ही बता देते हैं बनता कैसे। ये एक रूप के हिस्से को, जैसे कोई भी बेस हो, कोई जगह हो जहाँ हमें बांधना हो, उसके ऊपर रख देंगे। ये गांव में भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, खूंटे में भी बांधते हैं, गाय भैंस बांधने के लिए बांधते हैं। इस जो रूप और लोप रूप हमने जो फेंका है, इसको फिर हम लेंगे ऐसे, फिर इसके इसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए ऐसे डाल देना है। ये आप देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए, हमने ये रूप रख दिया, फिर इस रूप को लिए, फिर इस रूप के ऊपर से ऐसे डाल दिया। अब जो डाल, अब इसके बीच से इस रूप को निकाल देंगे। अब ये देखिए, ये हो गया क्लो हिच। अब इसको मजबूती देने के लिए हम एक सेफ्टी नोट का इस्तेमाल करेंगे, ये काफी नजदीक देंगे। ये हमारा क्लो हिच बरसठ की जगह हो गया, ये हमारा बेस बनाने के काम में आता है। और ग्रिप हिच भी बेस बनाने के काम में आता है। ग्रिप हिच तो बहुत आसान है, हम लोग बना तो सभी लेते हैं आसानी से, ऐसे कर देते हैं और ये लगा के खींच देते हैं, ये हो गया ग्रिप हिच। लेकिन रस्सा अगर लंबा है तो हम क्या पूरे रस्से को लेके ऐसे ऐसे खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, क्योंकि एक रस्सा तो हमें जरूरत है, ये बेस बनाने के काम में आता है, तो एक रस्सा तो जरूरत है हमें नीचे तक ले जाने का, और दूसरा भी नीचे इसमें ले जाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्या पता उतना बड़ा रस्सा है या नहीं है, इतना दूर से लंबा है, एक साथ नहीं करना, हमें सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही एक रूप लेना है, जरूरत के हिसाब से ही जितना ऊपर का हिस्सा चाहिए बेस बनाने के लिए उतना हमें लेना है। फिर इसको हमें क्या करना है, इसको फिर हमें कुछ नहीं करना है, ये दूसरे हिस्से को उठाना है जो हमने फेंक रखा है, इसको इस रस्से के इधर से घुमाना है, कुछ नहीं कर घुमा के फिर ये जो रस्सा गया है इसके अंदर से देख लीजिए, ये बन गया हमारा ग्रिप हिच। इसके बाद फिर हमें एक सेफ्टी नोट दे देना है। सेफ्टी नोट का मतलब ध्यान रखना है कि सेफ्टी नोट देना है। ग्रिप हिच आप फिर से आप देख लीजिए एक बार, ग्रिप हिच इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ रोप के एक सिरे को फेंकिए जरूरत के हिसाब से जितना जरूरत है, फिर नीचे वाले रूप को से 180 डिग्री लीजिए, फिर इधर ऊपर से लेकर जिधर से रूप आया था उधर हमें घुसा दिया, ये हो गया ग्रिप हिच। इसको आप एक सेफ्टी नोट दे दीजिए, ये हमारा ग्रिप हिच बन गया। यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है, और जो कुछ भी आप अगर इससे सीख पाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगा हो तो भी सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया YouTube चैनल है, आप इसको प्यार दीजिए। धन्यवाद।